जिलाधिकारी हाथरस आशीष कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिला अस्पताल में सीएमओ सीएमएस और अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना, साथ ही अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसे लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक मैक्स गाड़ी और रोडवेज बस के भिड़ंत में मैक्स गाड़ी में सवार 17 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस समय जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आई थी, कुछ घायलों को पर्याप्त उपचार नहीं मिला था और इसकी वजह से ही उनकी मौत हुई थी। इसके अलावा अक्सर जिला अस्पताल में लचर स्वास्थ्य सेवाओं की शिकायतें आती रहती हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जगह काफी कम है, ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर रविवार को जिलाधिकारी हाथरस आशीष कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आशीष कुमार ने वहां सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह, सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश और अन्य चिकित्सकों के बैठक की। अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले इस पर जिलाधिकारी ने चिकित्सकों के साथ बातचीत की, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश जी। जिला अस्पताल बागला में आज मेरे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और उसमें यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको जाना है और क्या इसमें कमियां हैं, जो मैन पावर की शॉर्टेजेस हैं, वार्ड बॉय की हो गई, स्टाफ नर्स की हो गई, तो उन संबंध में हम लोग क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं जो जिले स्तर से होनी है या फिर जो शासन या निदेशालय स्तर से होनी है, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के संबंध में कार्य योजना बनाई गई है। अब उसके बारे में अभी पहले यहाँ पे साइट प्लान देखा जा रहा है कि इमरजेंसी अगर शिफ्ट करनी है तो उसके संबंध में यहाँ पे क्या दोनों फायदे नुकसान हैं, उन फायदे नुकसानों का आकलन करते हुए उसके बाद जो उसमें अंतिम रूप से फिर एक निर्णय लिया जाएगा। हाँ, वही मैंने कहा कि जो भी हमारे पास है संसाधनों की कमी है और जो संसाधन जितने संसाधन है उतने में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में बैठ के विचार विमर्श हुआ है और रणनीति बनाई गई है। जो भी अगर शॉर्टेजेस हैं तो उसके बारे में सूचित करें और वहां पे हम लोग बात करके उनको पूरा करवाएं। देखिए, अस्पताल में सभी जो आते हैं पेशेंट्स उनके लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे उस पे उसके हिसाब से डॉक्टर्स निर्णय लेते हैं और उसी के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें मैं पता बात करता हूँ जो वहाँ चिकित्सा अधीक्षक है उनसे रिपोर्ट कॉल करता हूँ।